हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं प्रियंका और प्रियंका ब्यूटीज में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज लेकर आई हूं मैं एक और नया रिव्यू वीडियो, जो कि है मीशो प्लस फ्लिपकार्ट दोनों से ही। और गाइस, मुझे दोनों ही प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो की ओर और मैं करती हूं इसको ओपन। और गाइस, ये मैंने मंगवाया है मीशो से। और इसमें गाइस मैंने मंगवाई है एक साड़ी, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ऐसी वाली साड़ियाँ। इस टाइप की साड़ी आपको चाहे फ्लिपकार्ट हो, इंस्टाग्राम आईडीज हो, मतलब कहीं हर कई जगह, और जैसे लोकल मार्केट वगैरह में भी कई जगह आपको दिख जाएंगी, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो रही है और मतलब दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो मुझे लगा कि मैं भी इसको ऑनलाइन मंगवाती हूँ। और ये मंगवाई है मैंने मीशो से, और मैं जिस सेलर से मंगवाई हूँ उसके कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो एक बार आप वहाँ जाके इसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। और गाइस, जब मैंने भी इसको इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे देखा तो मुझे लगा कि मतलब दिखने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैं मंगवा के देखती हूँ कि मुझे अच्छी लगती है कि नहीं। गाइस, मैंने इसको मंगवाया तो मुझे काफ़ी सुंदर लगी है। और ये मैंने कलर में मंगवाया ब्लू एंड स्काई, दोनों का मिक्स कलर है। तो गाइस, ये कलर जैसे मैंने फ़ोटो में देखा था ना, तो थोड़ा सा मुझे मतलब ऐसे डार्क टाइप के कलर लग रहे थे, लेकिन ये जैसे मुझे लाइट रिसीव हुए हैं तो सकता है ये वैसे ही कलर हो, लेकिन फिर भी ये भी मुझे काफ़ी ठीक लग रहे हैं। और गाइस, इसमें जो मतलब ऐसे जो वर्क वगैरह किया गया है वो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा हेवी है। और इस टाइप की साड़ी को गाइस बोला जाता है गढ़चोला साड़ी। और गाइस, इसका जो फैब्रिक है वो सिल्क फैब्रिक है, और इसमें जो ये वर्क किया गया है ना, वो पूरा जरी का वर्क है इसमें। मतलब ओवरऑल साड़ी में पूरे में आपको ये जरी का ही वर्क मिलेगा, तो ये भी मुझे तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा है और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। और पहनने पे तो गाइस इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ और जो ब्लाउज होता है वो सेम इसी का ही ब्लाउज है, सेम ऐसा ही उसमें वर्क वगैरह है, वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी। और गाइस, इसकी प्राइस आई थिंक ये मुझे मिला है 999 में। और इसमें इस कलर के अलावा और भी कम से कम 8 से 9 कलर हैं, जो भी कलर वगैरह आप लेना चाहो वो ले सकते हो। और इसका कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी, तो आप इसको एक बार वहाँ जाके जरूर। और चलिए गाइस, इसको दिखाने की स्टार्टिंग करती हूँ मैं इसके पल्लू से। तो आप ये देख सकते हो, ये है इसका पल्लू, जो कि बॉर्डर में लगाई है गोटा पत्ती का लेस, जो समोसा वाली लेस आती है सिंपल वही लेस है। और पल्लू गाइस इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाकी पूरी ओवरऑल साड़ी ये ऐसी ही है, सेम इसमें सेम वर्क है, और ये बॉर्डर पे ना इस टाइप की जरी है। काफ़ी अच्छी साड़ी लग रही है गाइस ये मुझे दिखने में। और ये आप देख सकते हो, फिर जहाँ से आप प्लीट्स वगैरह बनाएंगे, फिर वहाँ से इसमें ये जो समोसा लेस लगाई गई है इसमें गोटा पत्ती की, वो नहीं है, बाकी नीचे ओवरऑल पूरी साड़ी में ही है ये। और गाइस, इस साड़ी का जो फैब्रिक है वो बनारसी सिल्क में है, सिल्क में भी मतलब अच्छा स्मूथ वाला सिल्क है, ये हार्ड वाला बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट साड़ी है ये। और ये ना बिल्कुल ऐसे नहीं है कि मतलब आपको कि ट्रांसपेरेंट वगैरह ऐसी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट नहीं है। और इसका जो लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आने वाला है। और ये है गाइस इसमें ब्लाउज का पीस भी सेम ऐसा ही है जैसा पूरी साड़ी है, और ब्लाउज में भी वही सेम वाला बॉर्डर है जो साड़ी का बॉर्डर है, और वही इसमें लेस दी गई है ये किनारों पे स्लीव्स के लिए, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम वैसा का वैसा ही रिसीव होता है। जैसा आपको बनवाना है वैसा ब्लाउज आप इससे बनवा सकते हो, क्योंकि साड़ी ऑलरेडी इतनी अच्छी है तो ब्लाउज तो ऑब्वियसली अच्छा लगने ही वाला है इसके साथ। या फिर आप जैसे मतलब इसी कलर कॉम्बिनेशन का कोई भी जैसे अलग से मार्केट से कपड़ा लेके, और अगर आप उसका बनवाना चाहो तो आप उसका भी इसमें बनवा सकते हो, और साड़ी को ऐसे ही रहने दे सकते हो, जिससे कि इसकी लेंथ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप इसमें से बनवाना चाहते हो तो पर्सनली इसमें भी इसका ब्लाउज दिया हुआ होता है, तो आप जैसा बनवाना चाहो आप अपने अकॉर्डिंग वैसा बनवा सकते हो। लेकिन मुझे ओवरऑल साड़ी की लुकिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, और कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे इसका ठीक लगा है। और इसमें जैसे एक रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, और भी इसमें कई सारे कलर है, जो कलर आप लेना चाहो वो ले सकते हो। और जैसे कलर कॉम्बिनेशन में भी इसमें कलर है जैसे रेड येलो का, तो ऐसे कलर कॉम्बिनेशन में भी अगर लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो।
और ये आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको इसका वर्क है ना, जो जरी का वर्क है उसको थोड़ा पास से दिखाती हूँ कि आपको थोड़ा समझ। और गाइज इसमें जो वर्क वगैरह किया गया है वो बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से किया गया है कि कोई भी धागा कहीं से भी निकला हुआ नहीं है। और ये इसमें जो कलर वगैरह है ना, मुझे नहीं लगता ये निकलने वाले, वैसे तो इसकी डाई वगैरह की गई है लेकिन हो सकता है कि इसमें से कलर निकले या फिर हो सकता है कि नहीं निकले, वो तो धुलने के बाद ही पता लगेगा। अगर कलर वगैरह इसके निकलेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। ये साड़ी ना दिखने में ऐसी सिंपल सी लगती है लेकिन पहनने के बाद इसका जो लुक आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और मैंने भी इसको जैसे ना इंस्टाग्राम की कई रील्स वगैरह में इसे देखा है तो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी है तो उस हिसाब से। और गाइज मुझे तो कलर कॉम्बिनेशन ये वाला ठीक लगा है। अगर आप लोगों को ये वाला कलर अच्छा लग रहा हो तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप एक बार वहाँ जाके इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। वाला है पल्लू जिसमें आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ऐसे जरी है, फिर उसके बाद ऐसे लाइनिंग की वेविंग टाइप की इसमें प्रिंट की गई है, फिर ये फ्लावर प्रिंट है और फिर ये इस टाइप की लाइनिंग वाली इसमें जो जरी का वर्क किया गया है और फिर लास्ट में भी वो स्टार्टिंग में जो जरी का वर्क किया गया है वैसा ही फिर आगे में वर्क किया गया है। और ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा इसका ना लुक थोड़ा दूर से भी दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा इसका समझ में आ जाए कि किस टाइप का है। तो आप देख सकते हो गाइस मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका ये पल्लू वाला डिजाइन भी, और काफ़ी अच्छा सा ये लुक देता है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस इसका मैं आपको एक पूरा लुक दिखा देती हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आए, इसलिए प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो गाइज ये थी साड़ी और अब हम आ जाते हैं मेरे दूसरे वाले प्रोडक्ट पे जो कि मैंने लिया है ये फ्लिपकार्ट से। और गाइज ये है एक टेबल कवर, इसको आप डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हो या फिर आप जिस कॉफ़ी टेबल हो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें छोटे बड़े साइज आते हैं तो जो भी आपको साइज चाहिए वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको आप वहाँ से ले सकते हो। और गाइज ये 6 सीटर के लिए भी मिल जाएगा, और लेकिन गाइज मैंने इसको लिया है कॉफ़ी टेबल के लिए क्योंकि मुझे इतनी ही साइज का चाहिए था और मुझे गाइज इसकी क्वालिटी ना बहुत ही अच्छी लगी है। और गाइज ये है पीवीसी प्लास्टिक का जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और
और ये इजी टू क्लीन है, आप इसको मशीन वॉश भी कर सकते हो, हैंड वॉश भी, तो काफ़ी अच्छा है। और गाइज इसमें ना ऐसे गोल्डन कलर की फ्लावर प्रिंट वगैरह की गई है, और इसमें दो ऑप्शन और है, और किनारों पे आप देख सकते हो वाइट कलर की ऐसी प्लास्टिक की ही ये लेस है, जिसमें गोल्डन कलर की ऐसे इसमें शाइनिंग सी आती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है ये दिखने में। और बिछाने के बाद इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है जब इसको टेबल के ऊपर लगाया जाता है। तो गाइज अगर आप लोग भी इसे लेना चाहते हो तो बिल्कुल इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी। और गाइज वैसे तो इसकी प्राइस आई थिंक ये लगभग 900 रुपये के लगभग इसकी प्राइस वहाँ पे मेंशन है, लेकिन ये मुझे लगभग 250 रुपये के लगभग ये रिसीव हुआ था, क्योंकि मैंने इसको सेल के टाइम पे मंगवाया है, तो उस प्राइस में मुझे काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ है। गाइज इसको ना लगाने के बाद टेबल का कलर ही बिल्कुल अलग सा ही हो जाती है, वो अलग सी दिखने लग जाती है, तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को भी गाइज दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके जो भी है वीडियो के बारे में आपका नज़रिया वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उसकी साइड में जो बेल आइकन वाला बटन दिया हुआ होता है उस पर भी ज़रूर से क्लिक करिएगा, ताकि मेरे जो भी आने वाले और भी रिव्यू वीडियोस वगैरह होते हैं वो सबसे पहले मुझे आप लोगों से कनेक्ट करें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस वगैरह डालूं रिव्यूज़ के तो वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और गाइज मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ, जो भी ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह करती हूँ उन्हीं चीज़ों के मैं ऑनलाइन रिव्यूज़ वगैरह करती हूँ, जैसा सेम मुझे रिसीव होता है वैसा ही। तो अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टिल देन बाय बाय।